जो मैं फर्स्ट टाइम चला रहा हूँ, सीरियसली मैं फर्स्ट टाइम चला रहा हूँ 1000 आज। और ये है बिल्कुल स्टॉप, वाह क्या भाई के भाई, अल्टीमेट भाई, ये तो आगे से उठने को तैयार बैठी हुई है भाई, ये तो गजब चल रही है, गजब गजब चल रही है, अल्टीमेट क्या पिकअप इसको, वो ये पता है पूरा हवाई जहाज, सीरियसली पता है भाई, पता है पूरा हवाई जहाज है, सीरियसली भाई बाइक गजब की चल रही है। अल्टीमेट बाइक भाई, अल्टीमेट ही मतलब बहुत लंबी चौड़ी है, सीरियसली बताए जीन हाउस के अकॉर्डिंग में बहुत ज़्यादा लंबी है भाई ये, इसका मतलब कि विंडशील्ड बाइक बहुत ज़्यादा लंबी है, बहुत ज़्यादा लंबी और प्लस कंफर्टेबल है जीन हाउस से, सीरियसली बोल रहा हूँ। सेटिंग पोस्चर बहुत अच्छा है इसका, टैंक इसका बहुत बड़ा है, वाइट टैंक है, वाइट हैंडल है, वाइट फ्रेम्स है और इसका टायर बिल्कुल जीन हाउस जैसा है और जो इसका साइलेंसर है वो बिल्कुल स्टॉक है, बहुत बढ़िया एग्जॉस्ट है, बहुत बढ़िया, मज़ा आ गया बाइक चला के। और सीरियसली बहुत ज़्यादा लाइट वेट है, देखने बाइक बहुत ज़्यादा बल्कि है, लेकिन मतलब सीरियसली बाइक बहुत ज़्यादा लाइट वेट है गाइस, सीरियसली बहुत बहुत ज़्यादा लाइट वेट बाइक है, बहुत ज़्यादा लाइट वेट। हम शाद भाई की बाइक चला रहे हैं, गजब की बाइक है सीरियसली, मैं बता फर्स्ट टाइम लाइफ में अपनी 1000 cc बाइक चलाई है, 1000 cc बाइक मैंने उनकी पहली बार चलाई है आज, और इसका पिकअप है वो अल्टीमेट है, बहुत ज़्यादा वन ऑफ द बेस्ट 1000 cc ये बाइक है, सीरियसली बता बहुत बहुत अल्टीमेट बाइक है। अगर कोई बाइक जीरो से लाता तो प्लीज़ उसको ये निंजा 1000 चला के देखिए, आपको और ज़्यादा कम्फर्टेबल लगेगी, प्लस पता है बाइक में रिफाइन इंजन है, BS6 वर्जन है ये भी, और बहुत अल्टीमेट बाइक है, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हैंडलिंग बाइक की, जो जीनो से उसका लुक बहुत ज़्यादा एग्रेसिव है लेकिन उसका लुक और पोस्चर बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है, बहुत ज़्यादा बाइक चलाने में बढ़िया है, बहुत मज़ा आया बाइक को चला के, सीरियसली बताया मेरे लाइफ में मैंने फर्स्ट टाइम 1000 cc बाइक चलाई है, 1000 cc बहुत होता है, पोलो गाड़ी 1000 cc में आती है 1 लीटर में, तो समझ लीजिए पोलो का इंजन कंप्रेस कर उसमें लगाया हुआ है, बाइक बहुत ज़्यादा अल्टीमेट है, बहुत ज़्यादा अल्टीमेट बाइक है सीरियसली। भैया में जा रहा है राफेल मेरा भागता हुआ, और राफेल शायद से 130 से पार है, क्या बाइक है सीरियसली गाइस, बहुत ज़्यादा हल्की बाइक है भाई, बाइक भाई लगते देखना है पर बाइक बिल्कुल भारी नहीं है, बाइक बहुत ज़्यादा हल्की है भाई, बहुत ज़्यादा हल्की बाइक है। एक्चुअली सबसे अच्छी बात है निंजा कंपनी की है, वो पावर टू वेट रेशियो बहुत अच्छा रखती है, तो आपको पता लगेगा कि आप इतनी भारी बाइक चला रहे हो, 215 किलो की बाइक है, लेकिन आपको बिल्कुल आइडिया नहीं आएगा कि 215 किलो की बाइक है, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बाइक है, पावर टू वेट रेशियो उसका बहुत बढ़िया है, बहुत ही बढ़िया, और सीरियसली बाइक चला रहे हैं बहुत ज़्यादा स्मूथ है, बहुत ज़्यादा स्मूथ है। वो जा रहा है मेरा राफेल 948 cc, और लोग देखते जा रहे हैं कि क्या जा रहा है सामने। हमारे पास आज है एक निंदा 1000, एक है हमारे पास GSX 750, एक है मेरा राफेल, एक खड़ी है अपनी यामा R15, एक निंजा 1000 अगेन सीसी है, वो रॉयल इनफील्ड 650 है, अल्टीमेट बाइक्स है, बहुत ज़्यादा अल्टीमेट बाइक है सीरियसली, और सब लोग अभी देखते जा रहे हैं क्या हो रहा है, बहुत ज़्यादा अल्टीमेट बाइक है भाई, भाई बहुत ज़्यादा अल्टीमेट बाइक्स हैं गजब सीरियसली। भाई बहुत ज़्यादा अल्टीमेट बाइक है भाई, राफेल पता है पीछे से कैसे लगता है, तो फर्स्ट टाइम मैंने देखा है और राफेल पता है बहुत गजब लगता है पीछे से देखने में, मतलब फर्स्ट टाइम मुझे देखा मैंने राफेल पीछे देखने में बहुत सेक्सी लगता है सीरियसली, और जो नीचे मैं लोगों लगवाया है जीन हाउसों का ये दूर से बहुत सेक्सी दिखा देता है, बहुत ज़्यादा सुंदर दिखा देता है, और जो साथ में कावासाकी का लोगो लगाया मैंने सीट के नीचे बैक कॉल के नीचे, वो बहुत ज़्यादा सुंदर लगता है गाइस, बहुत ज़्यादा सीरियसली सुंदर लगता है,
मजा आता बाइक चला के सीरियसली बता। आप पता सच बताऊँ फील नहीं हुआ कि आप 215 किलो की गाइस बाइक चला रहे हैं। फुल टैंक के बाद ये लगभग बाइक 14-17 लीटर का टैंक है तो लगभग ये 2 क्विंटल 40 किलो के आसपास बाइक हो जाती है। आपको पता बिल्कुल फील नहीं हुआ कि 2 क्विंटल 40 किलो की बाइक है। इतनी सॉफ्ट चलाने में इतनी ज़्यादा सॉफ्ट है इसका कुछ कह नहीं। बहुत अल्टीमेट बाइक है। मैं सीरियसली पता किस दिन मैं बाइक को बुला के इस बाइक का रिव्यू दूंगा, पूछूंगा भाई से इस बाइक के बारे में कि बाइक कैसी है, क्या हिसाब किताब है इस बाइक का, कैसा आपको लगा, कैसे आप कितने की आपने खरीदी। मैं सब कुछ पूछूंगा एक दिन भाई से, पूरी बाइक को कवर करेंगे कि उन बाइक को उसको एक बाइक खरीदने विचार कैसा है, क्यों उन्होंने बाइक खरीदी और बाइक छोड़ के, जबकि इस सेगमेंट में और भी बहुत ज़्यादा बाइक है जो आप खरीद सकते हो, लेकिन पूछेंगे भाई ने बाइक क्यों खरीदी। तो बस यही था आज का व्लॉग जो मैं ख़त्म कर रहा हूँ भाई की बाइक पर। प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों में, और अगर किसी भाई ने मेरे रास्ते में देखा हो तो प्लीज़ एक बार रुक के ज़रूर बताइए कि उसे कैसा लगा। तो बस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों में और मैक्सिमम लोगों तक पहुँचाइए। किसी ने हम भाई ने हम लोग ग्रुप को देखा हो तो कमेंट में प्लीज़ बताइए कि आप लोग कहाँ से, आपने हमें कहाँ देखा। और बोलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक बाय बाय, जय हिंद जय भारत। अपना ध्यान रखिए, बाइक आराम से आइए प्लीज़।